गाइस क्रिस्टल कार की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने पास आई है फिर से एक और वेन्यू, और वेन्यू में हम क्या क्या करके दे रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको दिखाऊं तो हेडलाइट्स निकाल दी गई, इसमें हम लगा रहे हैं DRL, तो DRL हम उसी हेडलाइट में इंस्टॉल कर रहे हैं, और पीछे बैक कैमरा भी इंस्टॉल होगा। सीट कवर्स का भी गाइस इस गाड़ी में काम होने वाला है, तो कौन से कलर के सीट कवर्स होने वाले हैं उसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। और गाइस सीट कवर्स के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बकेट फिटिंग का मतलब क्या होता है असली में, तो आप बने रहेगा वीडियो के एंड तक। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम मिलते हैं गाइस वीडियो के एंड। भाई ये आप देख सकते हैं हमारी वेन्यू का काम हो चुका है कंप्लीट। इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताने वाले हूँ कि क्या क्या इसमें और लग सकता है। तो सामने से मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे हमने इसमें DRL इंस्टॉल कर दिया, जो कि अब आजकल हम हर वेन्यू में करते आ रहे हैं, और फिटिंग भी आप देखेंगे भाई मतलब ना प्रॉपर रहने वाली है, और ऐसा कोई डस्ट वगैरह का या भाप वगैरह कोई इशू नहीं होता इसमें। और ये टर्निंग पे भी चलता है, तो मैं एक बार टर्न भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं टर्निंग पे भी प्रॉपरली वर्क करने वाला है, और भाई मतलब अभी दिन है, दिन के हिसाब से भी रोशनी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और साथ ही साथ आप अंदर हेडलाइट भी देखेंगे तो उसमें भी हमने LED इंस्टॉल करी है, जिसका थ्रू आप देख सकते हैं सामने। तो दोनों की अगर मैं बात करूँ तो भाई बाहर के हिसाब से ना अभी इतना अच्छा चल रही है, तो रात को तो अलग ही लेवल की इसकी थ्रू आने वाली है। नेक्स्ट चीज़ में बात करूँ तो गाइस डोर वाइजर्स हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं, साथ ही साथ क्रोम बिडिंग भी इसके हमारे पास अवेलेबल है, बट हमने इसकी जगह यहाँ पे हैंडल्स इंस्टॉल किए हैं क्रोम हैंडल्स, तो ये उसी के ऊपर पेस्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ ना फ्रंट का डिफ्यूज़र चाहते हैं तो डिफ्यूज़र भी हमारे पास अवेलेबल रहने वाला है इस गाड़ी का। तो ये हमारा कुछ साइड से व्यू था गाइस, या पीछे का हैंडल देख सकते हैं, और यहाँ से आपको कैमरा दिख रहा होगा, तो कैमरा भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है जो कि ASD कैमरा रहने वाला है, तो उसकी क्वालिटी भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ अभी। फिर करते हैं हम बात गाइस अंदर से, तो वेन्यू की बैजिंग वाला आप यहाँ पे वेलकम प्लेट देख सकते हैं, तो इसमें लाइट ग्लो करेगी। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो गाइस आपको दिख रहा होगा सीट कवर्स का बहुत ही प्यारा काम हुआ है गाड़ी में। फिटिंग अपनी ना ऐसी रहने वाली है, मतलब पूरी मार्केट में आप देख लेना सीट कवर्स, बट अपने से बेहतर फिटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये कस्टमर्स खुद कहते हैं हमारे। और भाई डिज़ाइन अपने पास हज़ारों अवेलेबल हैं, आप जितनी मर्जी डिज़ाइन चाहते हैं कस्टमाइज चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी गाइस करवाने को आप एम्बिएंट लाइट का भी इसमें काम करवा सकते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा वर्क होने वाला है वेन्यू का, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लगेगी गाड़ी अगर एम्बिएंट वगैरह लग जाती है इसमें। और साथ ही साथ डोर पैनल्स ऊपर रूफ से रूफ वगैरह का भी आपको बढ़िया काम हो सकता है इस गाड़ी में। साथ ही साथ एक सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इसका इंस्टॉल कराने का, और रूफ रेल्स इसमें लगी लगाई आई थी पास रहती है रूफ रेल्स इस गाड़ी के लिए, अगर आपके इसके नीचे वाला मॉडल है तो। और गाइस ऑटो फोल्ड मिरर आप देख लो, इसमें ऑटो फोल्ड मिरर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी कटिंग यहाँ पे बना के पूरी कर दी जाती है, तो इस मॉडल में ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए हमने इंस्टॉल नहीं किया, बट अपने पास टर्निंग वाले ऑटो फोल्ड वाले भी रहने वाले हैं इस गाड़ी के। इस बैक कैमरा भी आप देख सकते हैं हमने इसमें लगाया है, तो बैक कैमरा की एक बार मैं क्वालिटी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जो कि कंपनी फिटेड स्क्रीन पर ही आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं क्वालिटी पूरी HD रहने वाली है, एंड ये मूविंग लाइंस के साथ आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ ये सेंस भी प्रॉपरली कर रहा है। इसके अलावा भी गाइस अपने पास बहुत सारे और भी स्क्रीन के ऑप्शंस हैं, अगर आप स्क्रीन भी नहीं है आपकी गाड़ी में तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है, आप लगवा सकते हैं। तो गाइस ये कार के ओनर भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं इनसे कहाँ से आए हैं, प्लस इनको काम कैसा लगा। तो वेलकम टू क्रिस्टल कार के भैया, क्या नाम है आपका? रुपेश। कहाँ से आए भैया? मेरठ। तो हमारी शॉप के बारे कैसे पता चला था? एक फ्रेंड था, उसने काम करवाया आपके यहाँ से। ठीक है, किसी ने रेफर कराया मतलब आपको? ठीक है, फर्स्ट टाइम आया हमारी शॉप पे। तो भैया काम वेन्यू लाए हैं आज आप, काम में देख सकता हूँ हेडलाइट पे DRL वगैरह सीट कवर्स पे काम कराया है, जो भी चीज़ें बच गई थी इस गाड़ी में वो आपने सारी चीज़ें करवा ली, क्योंकि मेरे को लगता है ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है। हाँ, ये S है, S मॉडल S है, और S ऑप्शनल में कन्वर्ट करने की कोशिश। ठीक है, तो फिटिंग वगैरह आप देख सकते हैं जो भी गाड़ी में हमने करी है, अभी आपने देख ली होगी, तो कैसी आ रही है फिटिंग वगैरह भैया? अभी तो सही लग रहा है, जो भी सीट्स लगवाई हैं जी, सीट कवर्स में देखा आपने गाड़ी कम्फर्टेबल है। हाँ ठीक है, बेटर फिटिंग वगैरह भी होती है। हाँ हाँ सही है। और DRL की जो फिटिंग करी है भैया वो DRL में सही है, DRL भी सही लग रही है, एंड इसमें LED लाइट्स लगवाई हैं। अच्छा, वो भी अच्छी है, और
इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स लगवाए हैं, बाकी आपने क्रोम वगैरह का भी काम थोड़ा बहुत किया। हाँ, क्रोम वगैरह तो ओवरऑल भी आप फिटिंग से सेटिस्फाइड है? हाँ, अच्छी है, कभी सही है। अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे भैया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए। तो गाइस, ये आज अपने पास आई थी वेन्यू। वेन्यू की बहुत वीडियोस हमारे चैनल पर डली हुई, आप देख सकते हैं, और कुछ गाड़ी में काम बचा हो तो आपको दूसरी वीडियोस में दिख जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, में ही ख़त्म करते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई गाड़ी की मॉडिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।